आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हाय फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मींस आफ्टर डाइजटाइजेशन विल फॉर्म अ डीपली कलर्ड एजो डाई विद अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल ठीक है तो पहले हम देखते हैं डाइजटाइजेशन होता कैसे है डायजोटाइजेशन ठीक है हम फर्स्ट ऑप्शन फोर से देखते हैं क्योंकि ऑप्शन फोर सबसे सिंपल है सबसे लेस लेसटीट्यूटेड सबसे ज्यादा सिंपल मॉलिक्यूल है जैसे एनिलीन ठीक है एनएच टू मॉलिक्यूल है इसमें हम क्या देते हैं हम लोग देते हैं डाइल्यूट HCl plus aqueous NaNO2 plus aqueous NaNO2 यहाँ से जो बनता है वो है HNO2 ठीक है और HNO2 से बनता है हमारा NO plus या फिर नाइट्रोजन catane ठीक है अब नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करता है जिससे हमें क्या मिलेगा एन एच टू एन डबल बॉन्डो प्लस राइट अब नाइट्रोजन एक एच प्लस रिमूव करेगा जिससे उसके ऊपर प्लस चार्ज रिमूव होता है तो क्या बनेगा एन एच डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्डो राइट अब लोन पेयर ऐसे मूव करता है कैसे बने और प्लस एच प्लस होके क्या बनता है, प्लस एन ओ एज़। ओ एज़ जाता है? हमने एच प्लस लिया है सिस्टम से ठीक है अब नाइट्रोजन एक और एच प्लस लूज करता है जिससे क्या होता है एन डबल बॉन्ड एन एच oh, ठीक है अब सिस्टम एक और एच प्लस लेता है जिससे क्या बनेगा हमारा जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इस एच प्लस को डोनेट करके हमें देगा एन डबल बॉन्ड एन ओ एच टू प्लस ठीक है अब ये लोन पेयर फिर से वापस आता है न? वाटर रिमूव कर देता है क्योंकि वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा सो so, यहां से क्या बनेगा एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस तो ये क्या बना डायजोनियम आयन बना मेरा ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं ये जो डायजोनियम आयन बनता है इस पे जब हम बीटा नैपथॉल ऐड करते हैं तो फिर हमें एक डीप रेड डाई मिलता है ठीक है एट लो टेम्परेचर फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पे ठीक है एंड इससे ये कंफर्मेटरी टेस्ट है ये कंफर्मेशन है कंफर्मेशन फॉर प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डायजोनियम आयन ठीक है मतलब अगर हमारा डायजो सॉल्ट बनता है अगर हमारा डायजोनियम आयन बनता है देन ही, देन हमें बीटन आप तो करने पे ये कलर मिलेगा तो फिर हमें देखना है कि हमारे गिवन ऑप्शन में कौन से ऐसे हैं जिसमें ये डायजो सोल्ट बनेंगे तो फर्स्ट हम लोग नोटिस करेंगे कि हमने कितने H प्लस लूज किए थे हमने इस स्टेप में एक लूज किया और इस स्टेप में मतलब एच प्लस हमने लूज किया था देयर फोर वी नीडेड या फिर वी नीड टू हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन टू बी लॉस्ट एज एच प्लस फॉर द रिएक्शन टू अकर कौन सा रिएक्शन डायजोटाइजेशन तो दो एच प्लस कहां पे रहते हैं किस अमीन में से दो एच प्लस रहते हैं देर फोर ओनली प्राइमरी मतलब वन डिग्री एरोमेटिक एमीन्स गिव डायजोटाइजेशन और अगर और मतलब सिर्फ यही है जो हमें रेड टेस्ट भी देंगे ठीक है तो हमें देखना प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कौन से है हमारा ऑप्शन फोर है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन ऑप्शन टू है नहीं ये टू डिग्री है एरोमेटिक है लेकिन टू डिग्री ऑप्शन थ्री जो है ऑप्शन टू जो है वो है प्राइमरी एक एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन एंड ऑप्शन वन फिर से नहीं होगा क्यों क्योंकि ये जो है ये नॉट एरोमेटिक तो इन दिस केस क्या होता है ऑप्शन वन केस में क्या होता है ऑप्शन वन केस में डाय diaz, डायजेशन होता है लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि ऑप्शन वन है हमारा पी एच सी एच टू एन एच टू राइट ये है हमारा ऑप्शन वन राइट तो यहां पे जब हम एनओ NO प्लस देंगे तो रिएक्शन के होने के बाद जैसे हमने अभी देखा ऊपर क्या फॉर्म करता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस फॉर्म करता है लेकिन जैसे यहां पे, ये, जो है, ये क्या है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है राइट right? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है इसलिए ये थोड़ा स्टेबल है लेकिन दिस इज अनस्टेबल सिंस नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज जिसकी वजह से क्या होगा ये बहुत इजीली एन टू लूज कर लेता है एंड दिसम्स पी एच सी एच टू प्लस एंड जो सिस्टम से मॉइस्चर या फिर वाटर लेके पी एच एंड एच प्लस लूज करके पीएच सी एच टू ओ एच बना लेता है इसीलिए ये डायजो फॉर्म में रहते ही नहीं है इसीलिए ये हमें डाई टेस्ट भी नहीं देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन टू एंड ऑप्शन फोर क्लास सिक्स टू ट्वेल्व से लेके नीट आईआईटी आई मेंस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट नेटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ पर